माइक चेक, हेलो हेलो, एक सूचना हो। पूरब पटरी पर जिसकी भी गाड़ी हो, आप लोग कृपा करके गाड़ी हटा दीजिए, अन्यथा प्रशासन के द्वारा गाड़ी को पंचर कर दिया जाएगा या हवा निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप लोग परेशान होंगे। मैं करवट प्रार्थना करता हूं कि आप लोग पूरब पटरी पर जितनी गाड़ियां लगी हैं, कृपा करके आप लोग अपनी अपनी गाड़ी हटा लें। सबसे पहले प्रयागराज इस ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करता हूं, और महफिल में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, देश के कर्णधार बच्चे, हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी बक्सर बिहार, सब भाइयों का, पिता को, बच्चों को, आप लोगों का मैं चरण छू करके बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हम कलाकारों से कोई गलती हो आप लोग क्षमा करेंगे। कलाकार आपके घर के हैं, भाई हैं, परिवार हैं, बंधु हैं, बेटा हैं, किसी भी कलाकार से कोई कहने में, बोलने में, गाने में त्रुटि हो जाए, उन त्रुटियों को नजरअंदाज रखते हुए अच्छाई पर ध्यान देंगे। और ये धरती, ऐतिहासिक धरती प्रयागराज, वरना हनुमानगढ़ी, ऐतिहासिक धरती है। यहाँ वर्षों से एक कार्यक्रम होता आया है। ये कार्यक्रम तो 25 तारीख को ही था, लेकिन उनके ऊपर किसी की चलने वाली नहीं है। मौसम खराब के चलते यहाँ शायद पानी लग चुका था, जबकि हम बनारस से आगे आ चुके थे। यहाँ कमेटी के लोग, भाई लोग फोन किए, भैया कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, मौसम खराब है, पानी बरस रहा है, पानी लगा है, फिर हमको वापस होना पड़ा। हम औराई तक आ चुके थे और औराई से फिर वापस लौटकर बक्सर बिहार हमको जाना पड़ा। तो आप लोगों का प्यार और दुलार इतनी दूर से खींच कर लाता है, और ये ऐतिहासिक धरती प्रयागराज कलाकारों की धरती है, कवियों की धरती है, जिस धरती से महानायक अमिताभ बच्चन जी उत्पन्न हुए, जिस धरती से महाकवि भैया अमिताभ जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी इस धरती से उपजे हैं, जिन्होंने लिखा था, हम लोग मैट्रिक क्लास में थे तो पढ़ते थे, बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना हुआ बेहद प्यारा था, जो टूट गया तो टूट गया। ये धरती बिरहा के गायकों की धरती है, स्वर्गीय पूजनीय हमारे राम कैलाश दादाजी जब आते थे और उनकी ठुमका देखते थे तो मैं मुग्ध हो जाता था। हैदर अली जुगनू जी इस धरती के लाल है थे, और जब बंबई में उनसे गाना हुआ करता था तो बड़ी आनंद की अभूति होती थी। तो आप लोग महान है, ये धरती महान है, इस धरती को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पुष्प की पंखुड़ियों में गुथा हुआ दुलार और प्यार, 501 रुपया दे करके स्वागत किए हमारे
जगदीश यादव जी, आपके तरफ से ये पुष्पों का माला और 500 रुपया दे करके हौसला बुलंद किए, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और इस धरती को प्रणाम करता हूँ। पुष्प की पंखुड़ियों में गूंथा हुआ दुलार और प्यार 500 रुपया दे करके स्वागत किए आप भाई राकेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं, आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। मालिक सुखी रखें, हर मोड़ पर सफलता मिले, कमाई में बरकत हो, मेरी शुभकामना है। और 100 रुपया का पुरस्कार दे करके स्वागत किए हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत पहले से मित्र ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट, आपके तरफ से भाई के धन्यवाद का। मालिक सुखी रखें, खूब इनकर होटल 64 चलत रहे, और ये हमारी शुभकामना हो। सब भाई लोग इनके बहुत बहुत प्रणाम पाओ। देखा भैया माइक भाई बंद बात भाई ए भाई बात भाई के बंद कर कौन करवा लो देखा है के चालू कर रहा कोई से तुम्हारे आगे बैठे के चाहिए थे तो वैसे साइड में बैठ गए हुआ थे हेलो हेलो हाँ हेलो ठीक है राम किशोर खलीफा भाई लाल राम हित के अखाड़े से और सेवई कंपनी सतहरिया सेवई कंपनी भाई लाल बिंद की ओर से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत भैया के प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें भैया और सुंदर पुष्पहार 100 रुपया का पुरस्कार जय सिंह पटेल इलाहाबाद से बिलहावान से बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। सब भाई लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बा। तो कलाकारों से कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, आप लोग भाई परिवार बेटा समझकर क्षमा करेंगे। कलाकार आपके घर के हैं, अब ऐसा न करिया लो कि हमसे गलती हो जाए तो क्षमा कर दिया लो, नंदनी से गलती हुई तो लाइट वेट बुतावे लग गया लो। दोनों के हम बात करते हैं, चाहे एयर से चाहे ओवर से, गावे में बजावे में बोले में कुछ गलत कहा जाए, कोई त्रुटि हो जाए, आप लोग दोनों पार्टी को क्षमा करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम बा। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ भजन भाव से ही हो, बड़ी सुंदर गीत अभी अभी नंदनी जी से आप लोगों ने सुना है, और एक माई का भजन और भगवान कृष्ण की एक प्रस्तुति, तो भजन भाव से ही कुछ कार्यक्रम की शुरुआत हो। मैया
ए मोरी मैया गुरु हो गोसैया पड़त बानी पैया गुरु हो गोसैया गुरु हो गोसैया पड़त बानी पैया कि जो हत पितत बा दिन राती हो गुरु हो गोसैया पड़त बानी पैया कि जो हत पितत बा दिन राती हो हमरो ही नैया के केहू ना खेवैया परवा लगावा तू आके कन्हैया जैसे मुरलिया के अपना बजवल मीरा के तू ही जहर से बचवल या कुंदन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र वृता या बीड़ा दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामानु पातु सरस्वती भगवती शेष जाडया चौकड़ी वाले तेरी और चौकड़ी वाले गढ़वा घाट के पालनहार राजपुर के दयाल दाता सतगुरु स्वामी जी सरकार निश्चित है सत्य ही है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर कोई विमान ले चढ़ चले कोई बधे जात जंजी भगत की फरियाद है ध्यान देंगे हमारे पढ़े लिखे भाई आज बिरहा की चोटी पर पहुंच गई है स्वर्गीय रामदेव स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद स्वर्गीय रामाधार चचा हैदर अली जुगनू जी स्वर्गीय कैलाश यादव जी स्वर्गीय राम खेलावन इन लोगों ने इस बिरहा को खेत खलिहान से हटा करके खेत खलिहान से उठा करके रेडियो टेलीविजन सिनेमा के पर्दा तक पहुंचाने का काम किया अब इस फुलवारी को हम लोग सींच रहे हैं आप लोग का आशीर्वाद है आज बिरहा चैनल पर आ रहा है
बिग गंगा चैनल जो कि आप लोग देखते हैं, और बिग गंगा चैनल पर हर हफ्ता में दो दिन शनिचर के इतवार के एक नया एपिसोड का शुरुआत होला। जेवना में हमन का विरहा करावत आनी जा नया नया कलाकारन के, ये आप लोगन का आशीर्वाद हो। फिर तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा हूँ विरहा चैनल, विरहा दंगल का, और तीसरे चैनल में फिर नए नए कलाकार उभरते हुए कलाकार आप लोगों के सामने आएंगे। सुंदर पुष्पहार और ये रुपयों का पुरस्कार सतगुरु जय मां सरस्वती विरहा जगत सम्राट गुरु अखाड़ा अपने ही अखाड़े के गायक हैं, नायक कलाकार पहली बनारसी साहिल बनारसी और अमित्या इमिलिहा पुरिया इनारा। अगर नाव गांव बोले में गलती हो जाए, बड़ा कम टाइम आप लोगों के से मिले के मिलत हो, लाइफ बिजी हो गई, कभी बॉम्बे कभी दिल्ली भाग दौड़ में बीतत हो, तो नाव गांव बोले में गलती हो जाए दोबारा आप लोग फिर से बुलवा लेंगे अच्छे से। 100 रुपए का पुरस्कार ये राम लक्ष्मण सिंह यादव प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कटेहरी निवासी बिलहाबाद, माननीय राम लक्ष्मण सिंह यादव जी जो कि प्रधानाध्यापक हैं, 100 रुपए का पुरस्कार देकर स्वागत किए। बहुत बहुत प्रणाम है, मालिक सुखी रखें, कमाई में बरकत हो, बहुत बहुत सब भाई लोगों के प्रणाम। तो एक लाइन भगत माँ से कहता है, माँ के मंदिर का दरवाजा खोल करके, और कहता है कि माँ तेरा रूप तो अनेकों है लेकिन शक्ति केवल एक है। कलकत्ता में काली के नाम से जानी जाती हो तो मध्य प्रदेश में शारदा भवानी के नाम से तेरा पूजा होता है। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्याचली माई के नाम से लोग दुनिया जानती है, तो हमारे बिहार के कैमूर की वादियों में तुझे तारा चंडी और मुंडेश्वरी कह करके लोग बुलाते हैं, लेकिन माँ तेरा शक्ति एक है। भगत कहता है क्या, Ah!
आराधना के लाइन पर नेशनल साउंड सर्विस जो ने भाई कई व्यवस्था हो, बड़ी अच्छा व्यवस्था हो, बड़ी सुंदर हो, मालिक यही तरह बनावले रखे परना बाजार से भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव पीडीसी प्रत्याशी इलाहाबाद से, राजेश भैया के धन्यवाद, मालिक मनोकामना पूर्ण करें, हर मोड़ पर सफलता मिले, 51 रुपया का पुरस्कार। भोला यादव सर्वाधी से भैया के प्रणाम बा, अब बहुत लोग सस्पिशन में मुयन किए भाई धून कौन हो, तरज कौन बा, कौनो प्रेमी प्रेमिका के बीच का बात बा, कौनो प्रेमिका के प्रेमी बतावत बा, का कहले बा,
भैया जंग बहादुर जी परसादी से भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मां मालिक सुखी रहे। भगत माँ से कहता है कि माँ तेरी महिमा तो गजब है, राई से पर्वत बनाती हो, पर्वत से राई बनाती हो, तेरे मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो पहले तो खाली ई बात हम सुनत रहे, लेकिन अब तो देखे कभी मिलत हो, अब देखे कभी मिलत हो। मुझे कहने में तनिक भी कभी संकोच नहीं होता है बाबू जी। सोम प्रकाश के घर में चलने के लिए एक टूटी साइकिल नहीं थी, या आदमी इंसान जो आदमी अपना जमीर भूल गया वो सब कुछ भूल गया। जमीर को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कहां से उठा हूं और कहां तक पहुंचा हूं। जेवना ओम प्रकाश यादव के घर में चले के वो टूटही साइकिल ना रहे, जेकर बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी करत रहे, ओ मजदूर के बेटा, ओ मजदूर के बेटा ओम प्रकाश यादव के इतना बड़ गवैया बनौलू, गायक बनौलू, गायक से नायक बनौलू। आज हवाई जहाज फॉर्चूनर स्कॉर्पियो मर्सिडीज से चलावत हो, तोहार महिमा बा आई भैया लोगन का देन बा। 20 दिन 30 दिन का महीना होला, 30 दिन के महीना में 22 दिन 28 रात ई भाई लोग रोज ओम प्रकाश यादव के चौकी पर खड़ा करा के दिहा बलावल बैठ जाते। ओम प्रकाश यादव के चौकी पर बिरहा गवावलन रोज खड़ा कई के 28 रात आए अपने जमीन पर बैठ के सुने लन, इतने ना 100 रुपया 200 500 400 50 इनाम दे के शरीर पर कुर्ता से धोती तक ही भाई लोग पहनावल। अरे भाई लोग मुछियो छिलवा देलन, ये ऊपर ले करिया ना भीतरों ले करिया, अभी पूजा पाठ कर पूजा पाठ पहले वेदन। तो तुहार महिमा गजब, जेवना ओम प्रकाश यादव के इतना बड़ गवैया बनौलू जेके विराट सम्राट के उपाधि दिहल गल। कि भाई लोग ओम प्रकाश यादव के सुने वाला भैया लोग बिरहा के बादशाह बतावेला, हे मैया तुहार गजब गुण बा आ तुहार गजब महिमा बा। धन्य हो यही तरह ने यही तरह अपन दया दृष्टि ओम प्रकाश यादव पर लगो ले रही है। जब तक जी शरीर में जब तक जान रहे तब तक ही भैया लोगन का सेवा कर पाए। 100 रुपया का पुरस्कार मसूरिया दिन यादव ब्लॉक प्रमुख फूलपुर से प्रयागराज, बहुत बहुत आपके प्रमुख जी के सानी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी फूलपुर से समाजवादी पार्टी से भैया के बहुत बहुत प्रणाम, बा मालिक सुखी रखे। पुष्पहार पैसा का पुरस्कार दिया ना भैया, और गायक कलाकार भी हूँ आप लोग चिर परिचित हुआ। माँ भगवती का आशीर्वाद लगे, पंच का आशीर्वाद लगे, हमारा शुभ कामना। और 100 रुपया का पुरस्कार राजेश यादव बिलहाबाद बीडीसी प्रत्याशी भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मालिक सुखी रखे। 200 रुपया का पुरस्कार सुरेश सुरेश नेता छिवैया जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी की ओर से, बहुत आप
लोगों के प्राण का मालिक सुखी रखें, कामयाबी हर मोड़ पर मिले ये हमारी शुभ कामना हो। 100 रुपया का पुरस्कार राम पुकार यादव अरेरुआ से कैया के बहुत प्राण का रेरुआ मंसूराबाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखो। और 100 रुपया का पुरस्कार राम अवध यादव बक्सर बिहार से प्रयागराज में भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। अगली बंद में बतावल गई का कहल गा कुछ भजन भाव हो गल रोमांटिक मूड कर कुछ नौजवान साथी भी हुन हमारे भाई लोग भी बैठे हुन तो कुछ एक लोग वाली भी हो जाए बाप दादा का चीज हो जाए लगे। 100 रुपए का पुरस्कार
प्रधान पद हेतु मैलवन से मुन्ना तेली भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगों के नमस्कार प्रणाम। जय अम्बे स्वीट रेस्टोरेंट आपके तरफ से 51 रुपया फूलपुर भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मालिक सुखी रखे। नायिका नायक से बतावत है, मतलब कोनो मेहरारू अपनी मर्द से कह का कहते हुए बतावत पे कि हम सत समर के का करब कि मोरा सजना सवर ना है किस काम। पुरस्कार
भाई लाल बिंद सतहरिया सेवई कंपनी से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। और 200 रुपए का पुरस्कार भैया दिनेश सरोज, दिनेश प्रधान कटनई से प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम बा। 200 रुपया देके हौसला बुलंद कैलन। लाई ब्रह्मन के आ जाए जा बड़ी सुंदर गीत अभी अभी नंदनी नंदनी सुमित्रा नंदनी जी से आप लोगन सुनन है। भगवान कृष्ण के बाल लीला और बाल लीला से लेकर के गोकुल पे नगरी को छोड़ करके भगवान और बालदेव दोनों भाई जा रहे हैं कंस के यहाँ, वहां तक कहानी आप लोगों ने सुन चुका। 100 रुपए का पुरस्कार सतहरिया सेवई कंपनी, सतहरिया सतीश बिंद भैया की ओर से बहुत बहुत प्रणाम बा। ये प्यार बा दुलार बा न तो उतना 300 किलोमीटर से चल के आ यहाँ हमन के आवल जाता। ये आप लोगों के प्यार बुलावेला, दुलार प्यार बुलावेला कि नहीं आप लोगों समझेगा कि ये हमर भाई हुआ, परिवार हुआ, बेटा हुआ, तो ये प्यार दुलार बुलावेला। 100 रुपया का पुरस्कार मनोज यादव प्रधान जी रेरुआ मंसूराबाद से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। अब ओकरो पहले के जहाँ से सुमित्रा नंदनी जी गौली है ओकरा पहले का हम बात आप लोगन के सुनावत बन ओकरो पहले कैसे भगवान कृष्ण अइलन, कैसे भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, इस चीज को मैं कमेटी के लोग से आग्रह बा के इतने पीछे कर लोगन का कि हमके डिस्टर्ब होला, थोड़ा दिक्कत होला, पीछे बड़ा शोर गुल हो। भगवान कृष्ण के बाल लीला तो आप लोगों ने सुना। हमारे बहुत अच्छे कलाकार सुमित्रा नंदनी जी से, लेकिन अब इसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण धरती पर क्यों आए, कैसे आए बता रहे हैं। आज आप लोग जो चैनल पर देखते हैं मैं बताता हूं थोड़ा इन लोगों को, अब हमें दिक्कत हो रहा, बड़ा परेशानी हो रहा। बिरहा का मूल चीज हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला और कहानी दिमाग से हट जाई उतर जाई। ओम प्रकाश यादव के बिरहा सुनल व्यर्थ हो, हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई यही से, कहानी की स्टार्टिंग है, शुरुआत है क्या। हेलो हेलो भैया साउंड तनी कम है, साउंड थोड़ा कम रहे, झंझनाट न रहे, हमारे भाई साउंड थोड़ा कम रखा, सीटी न दे। 51 रुपया का पुरस्कार भैया राम अवध यादव जी अरवासी से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। बात कब की है,
ब्राह्मण बाबा घोर गरीबी अनना घर में घोर गरीबी अनना घर में बाबा अतिथि करे कैसे भोजन बाबा कई ब्राह्मणी उधार लेने पनिया था व्यभिचारी मन राशन के बदले में अबला काट के दी दोनों यस्तन एक मर्तबा की बात द्रोण मुनि भिक्षाटन पर थे भिक्षा मांगने के लिए गए थे और द्रोण मुनि की औरत अपने घर में थी इधर तीनों त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवा अपना रूप बदल करके जोगी का भेष बना करके आकर के द्रोण मुनि के दरवाजे पर अलख जगा दिए माँ हम लोग 7 रोज से भूखे हैं कुछ खाना खिला दे आए है है है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का धरती पर कहल जला अतिथि देव भव अतिथि भगवान के समान होते हैं पहले देखिए आज तो डिजिटल दुनिया हो गई हिंदुस्तान मेरा डिजिटल हो गया लेकिन पहले के संस्कार में अब के संस्कार में अंतर होता जा रहा है पहले दरवाजे पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव स्वागतम आज का लिखा था कुत्तों से सावधान लिखा जाता कि कुत्तों से सावधान मैंने गजब गजब स्थिति होकर जाता खैर हम विषयांतर होना नहीं चाहते हैं द्रोण मुनि के दरवाजे पर जब तीनों त्रिदेवा अलख जगाए जोगी का वेश बना करके द्रोण मुनि की औरत बाहर निकलती है देखती है कि तीन मेहमान तीन जोगी कुछ खाना खाने के लिए कह रहे हैं लेकिन संयोग था बाबू की द्रोण मुनि की इतनी गरीबी हालत थी कि घर में अन्न का एक टुकड़ा नहीं था सोच गई औरत की अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं और मेरा पति भीख मांगने गए हैं अगर ये तीनों अतिथि तीनों मेहमान दरवाजे से बगैर खाना खाए चले जाएंगे दरवाजे का अपमान होगा मेरे पति की मर्यादा खत्म हो जाएगी बगल में एक बनिए की दुकान थी उस बनिए की दुकान पर जाती है और कहती है हाथ जोड़कर कि भैया मेरे दरवाजे पर तीन मेहमान आए हैं खाना खाने के लिए कह रहे हैं लेकिन मेरे घर में अन्न नहीं है एक काम कर दो कि कुछ राशन कुछ उधार के रूप में मुझे दे दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब मेरा पति भीख मांग कर आएंगे तो तेरा राशन चुकता कर दूंगी बनिया जो था कुछ लुप्त मिजाज का था जैसे आज भी कुछ लोग होलन कोनो नीमन मेहरारू लेकी के देखिए हम तो चारू और ताक चुकी क्यों देखत नहीं के ना इतना जरूर कह देन के राजा तनी ताके दो हम मर जाए हालांकि ससुर तकले से मुहे वाला ना हूं लेकिन आदत से मजबूर बनिया कहा कि इतना तुझे राशन चाहिए पूरा दुकान खाली कर दूंगा लेकिन एक शर्त है हाथ जोड़ करके द्रोण मुनि की औरत कहती है कि क्या शर्त है भैया बनिया वो कहा कि तुम अपनी दोनों अस्तन मुझे दे दे आए है जब ही कहती है कि दोनों जब ही बनिया कहा कि तुम दोनों अपनी अस्तन दे दे मुझे तुरंत तनिक भी देर नहीं करती है द्रोण मुनि की औरत चाकू को उठाई है और चाकू उठा करके दोनों अस्तन को काट करके तराजू के प्रलय पर रख देती है एक प्रलय पर द्रोण मुनि की औरत के दोनों अस्तन है तो तराजू के दूसरे पलड़े पर बनिया का राशन है लहू लुहान लेकर के आई है खाना बनाने के लिए तीनों त्रिदेवा देखे हैं अभाग हो गए धरती खिसकने लगी पैर के नीचे से बोल पड़े कि मां ये क्या छुपाते हुए
तीनों की सेवा बोल पड़े कि मां ये क्या कर डाली। छुपाते हुए स्तंभ को कहती है कि कुछ नहीं भैया, ये फोड़ा हो गया था, उस फोड़े को थोड़ा फूट गया है, खून दे रहा है। लेकिन अंतर्यामी तीनों की सेवा इस बात को समझ गए, कहने लगे कि मां जिस स्तंभ को तुम हम लोगों के लिए काट चुकी हो, हम लोग वादा करते हैं कि इसी स्तंभ को लेकर के अपने मुख में एक रोज पान करेंगे। अब हम लोग खाना खा लिए, चल दिए तीनों की सेवा। और वही जब द्वापर युग आया बाबू, तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कभी दिए है क्या? और वही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, वही द्रोण मुनि जो भिक्षा मांगने गए थे, द्रोण मुनि बाबा नंद बने हैं। और वही द्रोण मुनि की औरत जो स्तंभ काट चुकी थी, द्रोण मुनि की औरत माँ यशोदा बनी है। तो कभी जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कभी को लिखना पड़ा क्या? कहिया जन्म भइल है कि सुबह गाड़ी पे जेल के अंदर उनका जन्म हुआ। और जेल के अंदर जन्म हुआ तो पहली करिश्मा धरती पर आकर के जेल के अंदर ही कर दिए। पहला करिश्मा का कहल कि लीला प्रभु के और हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि आप भैया जगदीश भैया 500 रुपये इनाम देके कहलन कि सोहर जरूर होके के चाहिए। अब वह जीती है हम उठौले बनी, भगवान का जन्म हुई तो सोहर रोकबे करी।
भैया 500 रुपया दे के हौसला बुलंद कर लें। बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। और 51 रुपए का पुरस्कार भैया ललन यादव जी परसादी से, भैया के प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। और 200 रुपए का पुरस्कार विजय यादव प्रधान जी आपके तरफ से कहा परसादी वर्मा से 200 रुपया दे के हौसला बुलंद किए। प्रधान जी के चरणों में कोट कोट सनमन है, मालिक सुखी रखें। और 100 रुपया का पुरस्कार आप भैया जंग बहादुर यादव प्रधान जी सोसा से, बहुत बहुत प्रणाम बात। तनी हमारे विरहा का बात समझ ला, पहली करिश्मा जेल के अंदर भगवान दिखाए धरती पर आकर के, बाबा वासुदेव माता देवकी की हाथ के हथकड़ी पांव की बेड़ी कट चुकी, जितने पहरेदार थे जेल के अंदर सभी लोग सो गए। माता देव की नारे पूरे इन लेके कोई भगवान कृष्ण के गोदी में लेके रोत है, और रो के अपने पति बात वासुदेव जी से एक बात कहलिन है। का कहलिन बाबू? की हर करज हो कि गवना करवलाए हरी जी, भगवान कृष्ण का गोदी में ले लें जेल के अंदर। बाबा वासुदेव जी से अपने पति से रो रो एक बात कहले कहले कि आठवां गरा भावा ये स्वामी जी, गुलाबा के दिया ना जरई, गुलाबा के दिया ना जरई, लालन के आचारा में लेती हो छुपा। अंधेरी रात है, बारिश बादल गरज रहा है, बरस रहा है, बादल गरजत बा बरसत बा, बिजली तड़पत बे, लेकिन बाहर भगवान का माया। बाबा वासुदेव जी रोके, देवकी जी कहलिन कि कंस को सुबह पता चलेगा, मार देगा, और साथ मेरे गर्भ को मार चुका है, आठवां गर्भ है, किसी तरह बचा लीजिए। बाबा वासुदेव जी प्रमाण मिलता है बाबू कि सूप में उठा है और लेकर के चल दिए जेल से, बाहर निकले हैं। कैसे निकले बाबू? कभी कभी अनिभाव के आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से 1:30 पर आप लोग सुने लन हम गाइला, या टेलीविजन पर नेशनल चैनल DD1 पर गाइला, दिखले हो लोगन का गाइला सुदेव गुणवान
पुरस्कार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुशरियादीन मसूरियादीन यादव, भावी प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी फूलपुर समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही, आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। मालिक सुखी रखें। और 100 रुपया का पुरस्कार लालचंद यादव जी प्रधान नेवादा से, भैया के बहुत बहुत प्रधान जी के प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। हई तनी हमारे विरहा का भाव स्थल पर गौर करिए। और 100 रुपया का पुरस्कार सुरेंद्र कुमार बिंद आपके तरफ से, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे, आशीर्वाद में शांति दी। आखिरकार बाबा वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के चल दिए, रास्ते में जमुना नदी पड़ी है, अहो भाग जाग गया। जमुना नदी सोचती है कि भगवान कृष्ण का दर्शन तो हो जाता है तो मैं छूलूं। बाबा जमुना नदी में हेलते हैं, भगवान कृष्ण का पैर छूने के लिए जमुना नदी फफा गई। जब जमुना नदी का पानी बढ़े लगल, वासुदेव जी के गर्दन तक पहुंचल, तब भगवान कृष्ण बाल लीला में देखें मुस्कुरा रहे हैं सुख में, और सोचे लगलन कि अगर अब हम गोड़ न लटकाई तो वासुदेव जी डूब जाइए, कोई सूप से पहरे गोड़ के लटका दिए। पैर छूती है जमुना नदी फिर सूख जाती है। लेकिन वहाँ गोकुल के नगरी में जाकर जसोदा के घर जो बेटी हुई थी, जिस बिटिया जो बिटिया पलना में सोई थी, उसी पलने से बिटिया को उठा लिया और भगवान कृष्ण को सुला करके अंधेरी रात में फिर जेल में चले आए। जेल ही जेल में आए, हाथ के अंकड़ी पाँव की बेड़ी लग चुकी, सारे पहरेदार जग गए। तनी जेल के बाद जेल में छोड़ दो। हई गोकुला में जब सवेर भइल, भगवान कृष्ण का पता चलल लोगन के की अवतार भइल बा, तब गोकुला के लोग खुशी में झूमत हुए और गावत बजावत हुआ। का गावत हुआ? एक लाइन हम गाइला, का गाइला कि बभना कतर दी अचरा पकड़ी के। गोपी करत का हूँ बाबू कि गोकुला में बाजेला, गोकुला में बाजेला पढ़ाई है, गोकुला में बाजेला पढ़ाई
1200 रुपया का पुरस्कार। भैया पारसनाथ यादव जी, आपके तरफ से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। पारस भैया के सब पंच के नमस्कार प्रणाम बा। माता दी से मालिक सुखी रखे। भाई तनी हमारे गाना के भाव स्थल पर गौर करें, विरह के अंतिम कड़ी हमार चलत हो। आखिर भगवान कृष्ण के एक सखी पलना से निकाल के गोदी में ले लिए। भगवान कृष्ण का अवतार बज बात तो घर में सोहर भी होके गचा। एगो सखी भगवान कृष्ण के गोदी में लेके ले ला भैया, तौलियो लगा ला भैया, तो मुत दिया। हां ऐसे कपार को बात नहीं के। भगवान कृष्ण के गोदी में लेके आ सोहर गावे शुरू कर दी। तो इलाहाबाद के सोहर तो आप लोगन बहुते सुन ले होगा। तनी हम अपने बिहार के सोहर गावत आनी कि हमारे बिहार में मेहरारू कैसे सोहर गावे ले। कैसे हो भैया? भगवान कृष्ण के गोदी में लेके गोकुल के सोहर गावत हैं सखी। आ सोहर गा के एक बात कहली ना, का कहली? खासतौर से हमारे बिहार में एक जात, चाहे आप लोग के उत्तर प्रदेश में भी जात हुई नटिन, नट जात। और नटिन जब द्वार पर आवेली सन, आज देखिए सन के बता दी कि अरे घर में लड़का भइल बा, तो दुआरी पर बैठ के लगे सन सोहर गावे। का गई हन कि बाजा बाजे नंदा के तू बुआरिया बधैया बाजे, अरे बाजा न हो ए ललना ए ललना जन्म लिहल बेटी बहन होके, माई बहन होके, आप लोगन के बेटी बहन होके, केहू के घर में जब लड़का हो जाला तो आज के जमाने में देखल जात बा कि जितना माई बाबू के खुशी नहीं खे लड़का के भैला में, उससे ज्यादा लड़का के दादा दादी के खुशी होला। लड़का का पापा और आजी के खुशी हो। आजी लड़का के लेके गोदी में पूछे लगे कि कहो हमारी नतिया के करा में पड़ल बा। तो वो घर गाँव घर के लोग बतैन ये चीज के, तो हमारे बिहार का सोहर रहा, लेकिन अब बदल के बनारस में लोग गावली मेहरारू। का लोग मेहरारू बताई हम गाँव घर के कि जुगा जुगा जिए, जुगा जुगा जिए तोरे लाला नवारे भवाना वाके भाई।
दिक्कत ना लवा समझे में तो बिहार वाली तनी भाषा हमार पड़ जाले, आप लोगन के इलाहाबादी भाषा लगेला तो एकरा खातिर माफ करियन क्षमा करियन। तो लड़का के दादी पूछी हमार नाती के घरे में पड़ल हो, गांव घर के लोग बताई हर का नकिया का बाते नकिया का बाते जस माई के रे अखिया जस बाबू नकिया का बाते जस माई के रे अखिया जस बाबू के हो आप बाबूजी जय साहब इंद्रदेव यादव फूलपुर से, इंद्रसेन यादव फूलपुर से जय साहब के शोहर के भाव पर दियलन है। जय साहब के बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखे। 500 रुपया दे के हौसला बुलंद कैलन है। आप कमाई में बरकत हो मेरी शुभ कामना है। 100 रुपया का पुरस्कार सुरेश यादव जिला पंचायत सदस्य झूसी से भैया के प्रणाम बा मालिक सुखी रखे आशीर्वाद में शांति दियन। गोकुल के नगरी में खुशी मनावल जात बा। 100 रुपया का पुरस्कार वीरेंद्र बहादुर गौतम भैया वीरेंद्र बहादुर गौतम बुधुआ बुधुआ से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखे आशीर्वाद में शांति दियन। अच्छा तो गोकुल के नगरी में लोग खुशी मनावत हूँ, अब यहाँ का बात हमारा छोड़ दा। अब जेल के अंदर चलिया वो हमारे विरह का लास्ट कड़ी हो। जेल में जब सुबह में कंस को पता चला है कि गांव की कायाचवा गर्भ जन्म लिया है जेल के अंदर, तम तमाता हुआ कंस से आता है और आकर के देवकी के गोद से उस लड़की को छीन लेता है, जिस लड़की को बाबा वासुदेव जी जसोदा के घर से लाए थे। कंस छीन के कहले का बाबू 100 रुपया का पुरस्कार राकेश पाल भैया नेवादा मुबारकपुर से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखे। और 251 रुपए का पुरस्कार राकेश प्रधान जी गणोर से भैया के प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो हमारी शुभ कामना है। आखिरकार और 51 रुपया का पुरस्कार विजय बहादुर जय माँ शारदा स्वीट हाउस बुढ़िया के इनारा से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखे। कहलगल का कहलगल लड़की कंस के हाथों से उड़ जाती है, आकाश में जाकर आवाज देती है अरे पापी कंस मुझे क्या मार रहे हो, तेरा तो दुश्मन गोकुल के अंदर है, जा अपने दुश्मन को मार। और वही प्रमाण मिलता है बाबू कि वही लड़की उड़ करके आकर के विंध्याचल में गिरी है जो कि विंध्याचली माई के नाम से सुप्रसिद्ध है। कहीं कहीं ये भी प्रमाण मिलता है
की नहीं, वो लड़की विंध्याचल में आकर अष्टभुजी के नाम से सुप्रसिद्ध हुई। जो भी है कवि लिखना पड़ा क्या? होगा सत्यानाश, होगा सत्यानाश, होगी चढ़ाई मदन मुरारी के, धन धन जसोदा माता जो जन्माई मदन मुरारी के। पुरस्कार है और एक सूचना हो, जवाबी विरहा दंगल दिनांक 28 सितंबर 2019, स्थान कैथौली, मुंगरा बरसापुर, कलाकार ओम प्रकाश दीपक हमारे नाम राशि, और प्रीति पाल ओम प्रकाश दीपक प्रयागराज से, प्रीति पाल इलाहाबाद से, निवेदक राम मूर्त यादव जी, बहुत बहुत आपके प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे आप लोगों को। नौ दिन जी है सुने हमारे विरह का, हमारे गाना का अंतिम लाइन रंग कवि जी लिखला था का, और 51 रुपया का पुरस्कार मोटू यादव प्रसादी इलेक्ट्रिशियन भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, 51 रुपया का पुरस्कार श्री बाल गोविंद यादव प्रसादी से भैया के प्रणाम बा, 100 रुपए का पुरस्कार कमेटी के तरफ से एक विरहा पर दिया गया, कमेटी के भैया लोगन के यथा उचित चरण पर से प्रणाम स्वीकार हो। 51 रुपया का पुरस्कार आलम तार वाला मुजफ्फरपुर बिहार से, भाई को सलाम अलैकुम हो, सब भाई लोगन के नमस्कार था।